आप में से बहुत लोग Realme X7 Pro का वेट कर रहे हैं और Realme X7 Pro और Realme X7 चाइना में लॉन्च हो चुके हैं। पहले बात कर लेते हैं Poco M2 Pro के गिव अवे के बारे में। Poco M2 Pro का मैं हमने 2 दिन पहले गिव अवे किया था और इसका रिजल्ट आ चुका है और इसका रिजल्ट आपको Instagram पे देखने के लिए मिलेगा। ये है मेरी Instagram ID, जाके चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पे जा रहे तो फॉलो भी कर ही देना। Realme X7 और Realme X7 Pro दोनों देखने में सिमिलर होने वाले, दोनों फ़ोन 5G होने वाले, पर इनके प्रोसेसर और हर्ट्ज होता है वो चेंज होने वाला है। Realme X7 में आपको MediaTek Dimensity 800 सीरीज का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है और Realme X7 Pro में MediaTek Dimensity 1000 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। अगर आप भी जानने में इंटरेस्टेड हो Realme X7 Pro के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा, तो बने रहे हमारे साथ। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शबाब निजाद एंड यू वॉचिंग स्पाइक टॉक। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से, यानी कि बैक पैनल से। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ग्लास बैक जो आने वाला है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास V5 के प्रोटेक्शन के साथ, और इस फोन में आपको दोनों साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। और स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ स्क्रीन रिजोल्यूशन देखने के लिए मिलने वाला है 1080x2400 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी होने वाले 402 ppi की पिक्सल डेंसिटी, और ये एक 6.5 इंचेस का HD+ वाला डिस्प्ले है जो कि एक सुपर एमोलेड पैनल है, और यहाँ पे आपको 120Hz वाला रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल देखने के लिए मिलता है। अगर आप ज़्यादा गेम्स खेलते हो, ज़्यादा मूवीज देखते हो, तो ये फ़ोन आपके लिए स्पेशल बना है। और चाइना में ये फ़ोन करीब 22,000 में लॉन्च हो चुका है, पर इंडिया में अलग प्राइस में लॉन्च होने वाला है। और माधव सेठ ने बताया है कि ये फ़ोन जल्दी इंडिया में देखने के लिए मिलने वाला है। और रैम वेरियंट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं 2 रैम वेरियंट। फर्स्ट वेरियंट में आपको देखने के लिए मिलता है 6GB के साथ 128GB रोम, और सेकेंड वेरियंट में देखने के लिए मिलता है 8GB के साथ 128GB रोम। और इसके साथ ही साथ अगर बात कर लेते हैं इस फोन के रियर साइड के कैमराज के बारे में, यानी कि बैक कैमराज के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्वाड कैमराज का इम्प्लीमेंट। यानी कि दोस्तों इस फोन के रियर साइड में आपको मिलने वाला है 4 कैमराज का इम्प्लीमेंट, जिसका प्राइमरी सेंसर होने वाला है 64 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी सेंसर होने वाला है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, थर्ड सेंसर होने वाला है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और फोर्थ सेंसर होने वाला है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। ये माइक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर किसी काम के नहीं होते, ये दो सेंसर कैंसिल ही कर देना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। और उसके साथ ही साथ बात कर लेते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ आपको सेल्फी के लिए मिलने वाला है पॉइंट शूट सेल्फी कैमरा, इसका सेंसर होने वाला है 16 मेगापिक्सल का, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी सेल्फी क्लिक कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर, एक ट्रेंड हो चुका है सभी फोन में हमको साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल रहा है। और बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 4500 mAh की बैटरी, जो कि आने वाले 65W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ और इसका फास्ट चार्जर इसके बॉक्स के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। और प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बड़ा तगड़ा प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि स्पेशली गेमिंग फोन में यूज़ किया जाता है और 5G सपोर्टेड है, जो कि है MediaTek की तरफ से MediaTek Dimensity 1000। और ये पहला फ़ोन है जिसमें हमको MediaTek Dimensity 1000 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है। और फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इंडिया में इसका स्टार्टिंग प्राइस 6128GB वाला आपको लगभग मिल सकता है 25,000 के प्राइसिंग में। चाइना में ये फ़ोन कम प्राइस में मिलता है, पर इंडिया में 3,000 एक्स्ट्रा चढ़ा के देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि ये फ़ोन इंडिया में MediaTek Dimensity 1000 के प्रोसेसर के साथ आ रहा है। और लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं तो रूमर्स के हिसाब से ये फ़ोन नवंबर महीने के लास्ट वीक तक इंडिया में भी देखने के लिए मिलने वाला है। और एक बात रहेगी कि यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट और शायद से NFC का भी सपोर्ट मिलने वाला है। और नीचे आपको स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिलने वाला है, 3.5mm ऑडियो जैक देखने के लिए मिलने वाला है, और उसके साथ ही चार्जिंग का पोर्ट देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये फ़ोन बड़ा तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है। अगर गेमिंग का फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो आप इसको खरीद सकते हो, 25,000 के प्राइसिंग में 5G स्मार्टफोन मिलता है तो अच्छी बात है ना। तो आज का वीडियो वो यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और उसके बदल में जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दो, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।